खरगोन जिले के बड़वा क्षेत्र के काटकुट फाटे पर तोतों से भरा हुआ पिंजरा लेकर खंडवा से इंदौर जा रही यात्री बस को पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 100 से अधिक तोते पिंजरे में बंद थे। बड़वा के वाइल्ड लाइफ वार्डन टोनी शर्मा को मिली सूचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम ने नाकेबंदी कर निजी यात्री बस को बड़वा के आगे काटकुट फाटे के पास रुकवा कर कार्यवाही की। बस के ऊपर कैरियर में बंधे पिंजरे में तोते जब्त किए गए हैं। बस चालक और कंडक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। बस पर पिंजरे में रखे तोते की सूचना टोनी शर्मा को मिली थी। टोनी शर्मा ने पुलिस प्रशासन को सूचना देकर अवैध रूप से तोते ले जाते हुए मामले का बड़ा खुलासा किया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।